हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिग बॉस सीजन 14 में जब से एजाज खान आए थे तभी से लेकर वो अब तक फैंस की नजरों में चढ़े हुए हैं। चाहे उनके खेलने का अंदाज हो, चाहे उनका अग्रेशन हो, चाहे उनका बात करने का तरीका हो, या फिर उनकी क्यूट सी स्माइल हो, या फिर पवित्रा पुनिया के साथ उनकी बॉन्डिंग हो, इन सब चीजों को लेकर एजाज खान सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच खबर आई कि एजाज खान को NCB ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, और आपको भी पता ही होगा कि ये वो वाले एजाज खान नहीं है जिनको NCB ने गिरफ्तार किया है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजाज के फैंस हैं जो कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज हो गए तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट लिखने लगे, एजाज खान को लेकर कई तरह की बातें लिखने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिग बॉस में जिस तरीके से हमने इनका व्यक्तित्व देखा, इनकी पर्सनैलिटी देखी, हमें लगा ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आने लगे तो फिर एजाज खुद ही परेशान हो गए, और एजाज ने फिर अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई जिस एजाज को NCB ने गिरफ्तार किया है वो एजाज मैं नहीं हूं, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों शख्सियत में डिफरेंस है, तो आप इन चीजों को मिलाएं ना। तो ट्विटर पर एजाज खान ने अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हुए कहा, मेरा नाम एजाज खान है, अगर आप भी गलतफहमी के शिकार हो रही हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, मैंने चश्मा पहन रखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो आप भी मेरी तरह चश्मा पहन सकते हैं, शायद आपको सही इंसान नजर आ जाए। फिर एजाज खान ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, लोगों की ये गलती देखकर अब मैं थक चुका हूं, ये इंसान मैं नहीं हूं। अपने एक और ट्वीट में एजाज खान ने लिखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब इन लोगों को कौन ही समझाए। तो एजाज खान ने तो अपने फैंस को फिलहाल क्लियर कर दिया है। बाकी जो दूसरे एजाज खान पकड़े गए हैं NCB द्वारा, उनके बारे में हम आपको बता दें, एजाज खान कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जाने माने एक्टर हैं, बिग बॉस में भी वो नजर आ चुके हैं, और उनको NCB ने एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर गिरफ्तार किया था। हालांकि जो एजाज खान है उनका ये कहना था कि वो सिर्फ मुलाकात करने के लिए गए हैं, उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर डिफरेंस आप भी समझ लीजिए कि दोनों ही एजाज खान बिग बॉस वाले हैं, लेकिन इनको आप पवित्रा पुनिया के नाम से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप बताइए ये खबर आपको कैसी लगी, और क्या आपको भी इस खबर से पहले कंफ्यूजन था? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।